जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जय श्री राम के नारे का इस्तेमाल लोगों में डर पैदा करने के लिए हो रहा है। उन्होंने कहा कि भगवान राम अपने मूल्य और सिद्धांतों के लिए पूजनीय और प्रिय हैं। महबूबा उद्योगपति आदि गोदरेज के उस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दे रही थी जिसमें उन्होंने कहा था कि असहिष्णुता और नफरत की भावना देश की आर्थिक वृद्धि को प्रभावित कर सकता है। महबूबा ने ट्वीट कर कहा, उन्हें यह देखकर अच्छा लग रहा है कि आदि गोदरेज जैसे उद्योगपति ऐसे वक्त में इन मुद्दों पर बोल रहे हैं जब अधिकतर कॉरपोरेट घराने अपनी आवाज खो चुके हैं। उन्होंने कहा, भगवान राम के नाम पर हो रही हिंसा को देखकर बहुत दुख होता है। $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने पर संशय। महबूबा ने कहा कि भारत में लोगों के दिमाग में मूर्खतापूर्ण बातें हैं, इससे देश $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था कैसे बन सकता है। फांसीवाद किसी भी देश के लिए अच्छी चीज नहीं होती। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में शनिवार शाम को एक मौलवी इमलाकुर रहमान अली को कथित तौर पर जय श्री राम के नारे लगाने के लिए मजबूर किया गया। पहले भी नेताओं ने दी थी प्रतिक्रिया। इससे पहले कई नेताओं ने भी जय श्री राम को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि हमें जय श्री राम से कोई ऐतराज नहीं है, बल्कि बीजेपी इसका राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल कर रही है। वहीं प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने कहा था कि जय श्री राम बंगाल की संस्कृति नहीं है, यहाँ तो मां दुर्गा को पूजा जाता है।